इस पर जो हेरिटेज वॉक है इस पर मैं वॉक मीडिया का काम करूँगी, और मैं अपना इससे ज़्यादा और परिचय दे रहे हैं इम्पॉर्टेंट नहीं समझते अब लोगों को, उसके बाद बात करेंगे कि बाद में बात करेंगे। हेरिटेज वॉक वाला कॉन्सेप्ट जो है वो अभी भगवान की कृपा से इंदौर में थोड़ा पॉपुलराइज हो गया है, NRI नहीं और G20 ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, पर हम आज करने क्या वाले हैं, हम जो अपने हेरिटेज स्पॉट्स हैं हम उनके बारे में जानेंगे, तो हम जानेंगे कैसे हम उनके पास पहुँचने जानेंगे, तो जिसके लिए हम एक वॉक करेंगे जिसका नाम है हेरिटेज वॉक। ये जहाँ हम खड़े हुए हैं ये पोर्शन जो ऐसे देखा जाए तो इंदौर का बहुत एंशियंट वाला पोर्शन में से एक है, मोस्ट एंशियंट नहीं है लेकिन एंशियंट में से एक है। हम इस पोर्शन की करीब 4 प्लेसेस पे तो जाएंगे और 6 प्लेसेस के बारे में मैं आपको डिटेल बता दूँगी, इससे ज़्यादा की हो जाएगी। ये वॉक मेरी खुद की पर्सनल, बता फिर जनऔषधी वाली चीज़ को अगर साइड में करें तो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट ये है कि ये जो वॉक है ये सिर्फ आप लोगों के लिए एक तरह से एक इंट्रोडक्टरी एक्सप्लोरेशन है, और आप लोग बाद में जब भी आप लोगों को समय मिले आप इन प्लेसेस पे आते रहिएगा। एक तो सेल्फी के लिए बहुत अच्छी प्लेसेस पर अदरवाइज़ भी अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि इंदौर के साथ ये बहुत दुर्भाग्य रहा है कि जो हमारी हेरिटेज है बहुत रिच हेरिटेज है जो आप लोगों को भी पता चलेगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पैथेटिक कंडीशंस में थी। मैंने ये भी देखा है कि जब इंदौर नंबर 1 आ गया था उसके बाद भी हमारी हेरिटेज प्लेसेस की कोई इस तरह की देखभाल हो नहीं रही थी। थैंक्स टू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की ये पूरी अब ये हो गई है, रेनोवेट हो गई है, पर रेनोवेट होने से कुछ नहीं होगा जब तक, क्योंकि स्मार्ट सिटी वाले भी ये चाहते हैं कि अगर पब्लिक का पार्टिसिपेशन होगा, पब्लिक फुटफॉल बढ़ेगा तो ये प्लेसेस अपने आप लोगों को, उन लोगों को सफाई भी रखनी पड़ेगी, उनको मेंटेन भी करके रखनी पड़ेगी। तो हमें ये गवर्नमेंट ने अब करके दे दिया, अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इनको मेंटेन करके रखें और इनको उस तरह से बना के रखें कि जब हम इंदौर में कोई आए तो हम उनको कुछ दिखा सकें। क्योंकि मुझे ये भी पता है कि एक समय ऐसा भी था जब मैं भी ये मानती थी कि इंदौर में क्या है, और आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ मैं कहती हूँ कि इंदौर में क्या नहीं है जो आज हम जानेंगे। तो हम जहाँ खड़े हैं इस एरिया को अगर हम देखें तो हम राजवाड़ा वाले एरिया में इंक्लूड कर सकते हैं। इंदौर में ऐसे देखा जाए तो 3 एरियाज़ हैं जो अपने अपने आप में उनकी अलग अलग हिस्ट्री रही है और उनकी स्थापना अलग अलग तरीके से हुई है। अगर हम एंशियन मोस्ट की बात करें तो एंशियन मोस्ट तो जूनी इंदौर में नाम से ही दिख रहा है, जूना मीन्स इंदौर, जूना मीन्स पुराना, तो जूना इंदौर में जूनी इंदौर मीन्स पुराना इंदौर। उस वाले एरिया में हमें बहुत सारे मंदिर और बहुत सारे ऐसे उल्लेख मिलते हैं लोकल हिस्ट्री में भी और रिटन हिस्ट्री में भी, जिससे पता चलता है कि वो एरिया जो है वो बहुत प्राचीन रहा था। लेकिन उस एरिया का नाम इंदौर नहीं था, उस एरिया का नाम इंद्रपुरी था, और इंद्रपुरी क्यों था उसके लिए भी आप जो उसका स्टार्टिंग जहाँ से हुई वो मंदिर जो है वो मंदिर जूनी इंदौर और राजवाड़ा के बीच में एक इंद्रेश्वर करके एक मंदिर है, अगर आप लोग पंडरीनाथ जाते होंगे या पंडरीनाथ का नाम सुना होगा तो उसके जस्ट पास में ही है, जो इंद्रेश्वर है वो सबसे प्राचीन मंदिर भी है और इस जगह के नाम के पीछे जो कारण है वो भी यही है। इंद्र जो है हिस्ट्री ये कहती है, आर्कियोलॉजी ये कहती है कि राष्ट्रकूट करके एक डायनेस्टी हुई थी, बहुत सारे अलग अलग वंश हुए थे, उसमें राष्ट्रकूट जो थे ये साउथ से थे, महाराष्ट्र से थे, और कुछ समय के लिए परमार जब यहाँ पे मालवा में राज्य कर रहे थे तो कुछ समय के लिए उनके पास जब राज्य आ गया था तो उनका जो एक राजा था जिसका नाम इंद्र द्वितीय था उसने इसकी स्थापना की और इसलिए उसका नाम इंद्रेश्वर पड़ गया। लेकिन जो लोग मानते हैं और मुझे उस पर ज़्यादा विश्वास होता है वैसे ऑफ द रिकॉर्ड, तो वो ऐसा माना जाता है कि जो अभी करंट इंद्र हैं उन्होंने वहाँ तपस्या की थी और उन्होंने तपस्या के समय जो शिवलिंग को स्थापित किया था वो इंद्रेश्वर है, इंद्र के ईश्वर वो इंद्रेश्वर है। और इसलिए अगर हम अपनी हिस्ट्री पे विश्वास करें, अपने रिटर्न हिस्ट्री पे विश्वास करें तो भी वो बहुत प्राचीन जगह है, और अगर हम आर्कियोलॉजी पर भी विश्वास करें तो भी इससे पुराना एविडेंस और कोई मिलता नहीं है। इंदौर में यहाँ था क्या, अगर हम ऐसे देखा जाए तो इंदौर की जो हिस्ट्री है वो सिर्फ 300 साल पुरानी हुई है, तो इस तरह से सिटी तो नहीं है लेकिन सेटलमेंट पुराना है। जो सेटलमेंट की गवाह है वो जो 2 नदियाँ हैं उनके बारे में हम जब नेक्स्ट स्पॉट पर जाएंगे तब पता करेंगे, लेकिन उन दोनों नदियों के जो बैंक्स में जो सेटलमेंट्स हुए वो सेटलमेंट्स अलग अलग समय पर हुए, और यहाँ जूनी इंदौर से कुछ मूर्तियाँ निकली हैं जो म्यूज़ियम की भी अब वो हालत है जो पहले अपने सेंट्रल म्यूज़ियम की जो इन प्लेसेस की हालत हुआ करती थी। आप वहाँ पे जाइएगा, एक हिंगराजगढ़ गैलरी है, समय निकाल के जाइएगा उसको देखिएगा,
वहीं पे एक सूर्य की अधूरी मूर्ति, कैसे पता चलती है वो? आइकोनोग्राफी एक अलग सब्जेक्ट है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन सूर्य की मूर्ति वहाँ से निकली है। खजराना से भी कुछ मूर्तियाँ निकली हैं जिनमें विष्णु की मूर्ति इम्पोर्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि परमाणु के समय में खजराना और जूनी इंदौर, ये दोनों ऐसे स्पॉट थे जहाँ पे मंदिर बनाने की सोची गई थी, क्योंकि उन मंदिरों के अवशेष हमें यहाँ मिल रहे हैं। जो ये प्लेस है, ये एक तरह से देखा जाए तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, अगर हम क्रोनोलॉजी की बात करें तो नहीं होना चाहिए, पर ये इसलिए इम्पॉर्टेंट लगता है। और पहले मैं उसे इंक्लूड भी नहीं करती थी, पहले मैं स्टार्ट करती थी कृष्णपुरा छत्री से, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंदौर में आज तक हमें दिख रही हैं और उनकी स्टार्टिंग यहाँ से हुई है, तो इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करें। क्रोनोलॉजी मैं आपको लास्ट में सुनाऊंगी, जिसको इंटरेस्ट है और जिसको जानना है वो मेरे साथ लास्ट तक बना रहे। लास्ट में मैं आपको एक पिक्चर से सबको समझा दूंगी, तो आपको जो है अभी पिक्चर थोड़ी ऐसी बनेगी ना, जो जिग्सॉ पज़ल हमारी बन रही है उसके सारे पीसेस मिक्स हो जाए, मतलब मिलके एक अच्छी पिक्चर बन जाएगी। ये जो जगह है हम यहाँ जहाँ खड़े हैं, इसको कहते हैं छतरी। एक्चुअली ये दिखती मंदिरों जैसी है, लेकिन ये मंदिर है नहीं टेक्निकली, ये मेमोरियल है। मेमोरियल किसके? रॉयल फैमिली के मेम्बर्स के, या रॉयल फैमिली के रिलेटेड परिवार के मेम्बर के। तो ये जो मेम्बर छतरी है, ये एक्चुअली रॉयल फैमिली होल्कर्स की समधियों की डिसेंडेंट की फैमिली है। इसको कहते हैं बोलिया सरकार। तो बोलिया सरकार मतलब एक्चुअली जो सरदार हुआ करते थे, जिनको जमींदार जागीरदार वाली पहुँच दिया करती थी, उनको या तो सरदार बोला करते थे, सरदार। तो इसलिए ये जो छतरी है, ये एक जागीरदार की छतरी है। ये जो जागीरदार थे, ये इसलिए इम्पोर्टेंट थे क्योंकि हमें ऐसा लगता है, मुझे ऐसी आशा है कि आप लोगों को थोड़ी मराठा हिस्ट्री पता होगी, जब औरंगजेब के समय जब शिवाजी उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस दे रहे थे, तो शिवाजी का जो कार्य क्षेत्र था वो महाराष्ट्र था। शिवाजी के ग्रैंडसन के टाइम तक जब बाजीराव पेशवा आए और उन्हें लगा कि अब मुगलों की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है और अब हम चाहें तो दिल्ली पे कंट्रोल कर सकते हैं, तो उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र को ऑलमोस्ट पूरा इंडिया बना लिया था। और एक समय ऐसा था जब साउथ में चेन्नई, मतलब तंजौर से लेके अटक जो पेशावर के पास है, इधर बड़ौदा से लेके उधर पूरी तक और इवन बंगाल तक का एरिया मराठों के पास हुआ करता था। और क्योंकि वो जो एक ध्वज अभी लहरा रहा था, भगवा ही उनका ध्वज था, तो एक तरह से देखा जाए तो उस वक्त पूरा देश जो था वो भगवामय हो गया था। उनके साथ जो कुछ इम्पोर्टेंट आर्मी कमांडर्स आते थे, कुछ को तो उन्होंने सूबेदार बना दिया था, जिसमें से एक की स्टोरी हम आगे जानेंगे। और उनमें से एक ये सरदार इम्पोर्टेंट ये भी हुआ करते थे, दिया इन्हें बुले भी बोलते हैं। अब बुले जैसे शिंदे सिंधिया हो गए, तो बुले जो है वो बोलिया हो गए। ये जो थे, ये होल्कर्स की समधी फैमिली थी। ये इतनी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो थर्ड, आप देवी अहिल्या को तो सब लोग जानते होंगे, मैं अज्यूम कर रही हूँ, देवी अहिल्या के बाद जो एक इम्पॉर्टेंट रूलर हुआ इंदौर का, उसने करीब 10-11 साल किया और उसकी फैमिली ने करीब 50 साल के करीब रूल किया, वो जो थे उन्होंने सबसे ज़्यादा टफ रेजिस्टेंस दिया है ब्रिटिशर्स को। उनका नाम था यशवंत राव फर्स्ट, जिनके बारे में हम इंदौरी बहुत कम जानते हैं। अगर हमें थोड़ा सा भी इतिहास का बोध होता, हमारा थोड़ा ध्यान अगर इंद्र के भोग से इंद्र के तप पे आ जाता, तो हम उनको इतना इम्पोर्टेंस देते कि मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम हीरा लस्सी के पास मिलेंगे। फिर बोलिया सरकार की छतरी हर पर्सन जानता, पर वो जो पर्सन है, अगर हम फ्रीडम फाइटर की बात करते हैं, तो एक्चुअल फ्रीडम के बारे में उन्हीं ने सोचा था ब्रिटिशर्स से। और उन्होंने कोशिश की थी कि रंजीत सिंह के साथ, महाराजा रंजीत सिंह जो थे सिखों के, अगर इन दोनों का टाइप हो जाता, इनका एक वो बन जाती, एक संधि हो जाती, तो शायद आज इंडिया की हिस्ट्री बहुत डिफरेंट होगी। तो ऐसी पर्सनालिटी थे जो हिस्ट्री चेंज करने की अपने उसमें वो रखते थे, क्या कह सकते हैं, एबिलिटी रखते थे। उन्होंने जो रेजिस्टेंस दिया, जिसके कारण अगर आप जब उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको दो तरह की न्यूज़ मिलेगी, या तो एक इंडियन जो लिखेंगे वो उनको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करेंगे, और ब्रिटिशर्स उनको जितना ज़्यादा विलेनस बना सकते हैं वो बनाते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने एक्चुअली मुगलों से नहीं लिया इंडिया को, उन्होंने मराठों से लिया। और कायदे से देखा जाए तो यशवंतराव होलकर, उन यशवंतराव होलकर की बेटी थी हिमाबाई, जिन्होंने इस छतरी को बनवाया है अपने बेटे की स्मृति में। और उनकी शादी जो कि बोलिया फैमिली में हुई थी, तो उसमें उनको बोलिया सरकार की छतरी थी। वो जो बेटी थी, ऐसा माना जाता है कि जो महारानी लक्ष्मीबाई थी,
उन्होंने इनसे इंस्पिरेशन ली थी, क्योंकि यशवंत राव होलकर की डेथ पहले हो गई थी। फाइनल जो वॉर हुआ था महितपुर का, जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ महितपुर, उसमें इनका जो 10 साल यशवंत राव होलकर का जो बेटा था 10 साल का था और बेटी जो थी 18 साल की थी, और ये लोग लीड कर रहे थे। हार बहुत जल्दी हो गई क्योंकि जो राजा वो थे इनके कमांडर, उनको ब्रिटिशर्स से तोड़ लिया था डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी के थ्रू। उनमें से एक बना टोक का राजा, टोक का नवाब, और उसका डिसेंडेंट को आप लोग जानते होंगे इरफान खान के रूप में, जिसकी अभी कुछ समय पहले डेथ हुई है कैंसर से। वो बहुत फेमस पैरेलल सिनेमा का एक्टर हुआ करता था। और दूसरा नवाब था जावरा, ये दोनों एक्चुअली पिंडारीज थे और ये लोग मराठा सेना के बहुत इम्पोर्टेंट वो थे, कमांडर्स थे, जिनको तोड़ के उनको नवाबी का जो दे के लालच दे के उन्हें तोड़ा गया, जिसके कारण होलकर सेना जो थी वो बहुत वीक हो चुकी थी और इसलिए वो हार गई। पर ये जो लेडी थी इन्होंने हार नहीं मानी और इन्होंने सोचा कि किसी तरह गुरिल्ला वॉरफेयर से हम फिर से कोशिश करते हैं कि अपना एरिया हमारे पास वापस आ जाए। जो वो एक महीने तक प्रयास करती रही अपने लिए सेना इकट्ठा करने के लिए, लेकिन परिस्थितियाँ बहुत चेंज हो चुकी थी, तो फाइनली इनको सरेंडर करना पड़ा। पर कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने इनसे इंस्पिरेशन ली थी और इसीलिए उन्होंने उस तरह का रेजिस्टेंस दिया कि फाइनली वो 1857 की मेन हीरोइन बनी। तो ये रेडी थी, इन्होंने इस तरह से भी सहयोग दिया इंडिया इंदौर के मॉडर्नाइजेशन के टाइम पे, क्योंकि 1818 के बाद जब ब्रिटिशर्स इंदौर आ गए, कैपिटल को वापस इंदौर शिफ्ट कर दिया गया, तो ये प्रयास हो रहे थे कि जब रेलवेज आई तो यहाँ भी रेलवे आए। क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड था कॉटन और अफीम का, तो रेलवे से वो और ज़्यादा स्मूथ हो जाता। पर लोगों को बहुत ज़्यादा उन पर विश्वास नहीं था इन चीज़ों पर, कंपनीज और ये सारी चीज़ें लोगों के लिए बहुत नई थी। जब भीमाबाई होलकर ने एक जो कंपनी थी रेलवे की, उसके जब शेयर्स खरीदे, तो लोगों को ये विश्वास होने लगा कि अच्छा, रॉयल फैमिली के लोग भी अगर शेयर्स खरीद रहे हैं, इसका मतलब है कि कम ये ऐसा वेंचर है जिसमें हम अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। एक और अगर इस फैमिली की आप देखें तो धरोहर जो है, जो राजबाड़ा वाला पुल है जो अभी हम जिसमें से क्रॉस करके जाएंगे, वो तो दो आर्म्स है, उसमें से इधर वाला आम तो न्यू है, जो इधर वाला आम है वो पुराना है और वो भी इन्होंने ही बनाया था। क्योंकि उसके पहले ऐसा होता था कि जो इंदौर था उसी एरिया तक सीमित था, जो नदी थी वो बहुत गहरी थी, बहुत बड़ी थी, पानी हुआ करता था, नाव से यहाँ आया जाता था। तो उन्होंने इस एरिया को कनेक्ट करने के लिए उन्होंने जो पुल बनाया था वो अभी भी है, और वैसे एक तरह से रुका जाना चाहिए नहीं, लेकिन ट्रैफिक एक्चुअली जो यहाँ रुकता है इस वाले पुल पर, वो 160 ईयर्स ओल्ड पुल पर रुक रहा है। तो हम रोज़ उस जब भी हम अगर जाते हैं तो हम एक तरह से देखा जाते हैं धरोहर वाले पुल को ही क्रॉस करके जाते हैं। इस एरिया का और इम्पोर्टेंस ये है, खाने पे आ जाती हूँ, इंदौरी है तो खाने की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो एक यहाँ की जो स्पेशलिटी है, कोई भी आता है तो हम उन्हें खिलाते हैं, तो पेटे तो हुई है, शिकंजी भी अलग ही है, दूसरी जगह की शिकंजी नींबू पानी होता है, हमारी शिकंजी अमृत होती है। पर यहाँ जो एक मिलती है आलू की कचौड़ी, जो बहुत तीखी सी है और जिसकी चटनी बहुत तीखी है, उसके पीछे भी एक स्टोरी है कि 1821 में उनको 1000 साल हो चुके, 100 ईयर्स हो चुके, उससे 100 सालों से वो आलू की कचौड़ी बना रहे। उसके पहले ये लोग ये नहीं बनाया करते थे, आलू की सब्ज़ी और पूरी बनाया करते थे। और ये आलू की तीखी कचौड़ी हुई क्यों? क्योंकि जो लास्ट टू रूलर्स थे उनका बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स के साथ इंटरेक्शन था और वो उन लोगों के संबंध भी थे, दोनों के एक एक वाइफ फॉरेनर भी थे, तो उन लोगों के बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स गेस्ट आते थे और फॉरेनर्स को हम इतना ज़्यादा तीखा खिला नहीं सकते थे, पर वो चाहते थे कि कुछ ट्रेडिशनल खाना खिलाया जाए। तो उन्होंने ये जो फैमिली है रवि कचौड़ी वाली, इनसे वो किया रिक्वेस्ट है कि आप कुछ ऐसी चीज़ बनाइए जिससे जो इंडियन हो लेकिन तीखी ना हो, और जिसको अगर तीखा करना चाहे तो तीखा भी किया जा सके। तो इसलिए वो आलू की कचौड़ी जो है वो इस तरह से उसकी डिस्कवरी हुई कि वो तीखी है पर कचौड़ी है तो इंडियन है, और अगर आपको उसको तीखा करना है तो उसके साथ वो जो चटनी देते हैं वो तीखी देते हैं। इसी वाली गली में यहाँ पे पास में एक टॉकीज हुआ करता था जो अब नहीं है, जिसको श्री कृष्ण टॉकीज कहते हैं, और जिसको इस एरिया को अभी तक लोग श्री कृष्ण टॉकीज के नाम से जानते हैं, जबकि टॉकीज अब एग्जिस्ट नहीं करते। यहाँ पे सिर्फ एक ही टॉकीज नहीं था, यहाँ एक्चुअली दो टॉकीज थे, एक था श्री कृष्ण और एक था महाराजा।
जो महाराजा टॉकीज था वो क्योंकि यहाँ के जो राजा थे, जो जो जैसा जैसा राजा आया उसने अपनी अपनी रुचि के हिसाब से उस तरह का डेवलपमेंट किया। और ये एक तरह से बहुत यूनिक चीज़ है इंदौर की कि हर राजा की चॉइसेस अलग थी, तो उनके कारण यहाँ बहुत ज़्यादा मिक्सचर हो गया बहुत सारी चीज़ों का, जो अदरवाइज हो नहीं पाता अगर एक ही जैसी चॉइस चलती रही। तो क्योंकि जो तुकोजी राव थर्ड थे, जो लास्ट सेकेंड रूलर थे अगर हम इंडिपेंडेंस से देखें उनको, उनको म्यूज़िक का, इंडियन डांस का और थिएटर का बहुत ज़्यादा शौक था। तो जो महाराजा थिएटर था उन्होंने शुरू किया था और वहाँ पर बहुत सारी थिएटर कंपनीज आती रहती थी, स्पेशली पुणे से और मुंबई से, और जो यहाँ पर बहुत बहुत लंबे समय तक रुकती थी। उनके रुकने से क्या हुआ ये मैं आपको आगे जगह बताऊँगी, पर ये वाली जो एरिया है वो इस तरह से थिएटर के लिए भी बहुत ज़्यादा एक लाइवली प्लेस हुआ करती थी। उसी गली में यहाँ पे जो गरबा था, फर्स्ट गरबा अगर इंदौर का देखा जाए तो इस गली से शुरू हुआ। अब यहाँ गरबा क्यों शुरू हुआ उसके पीछे अगर हम जाएँ तो आप देखिए ज्योग्राफी और हिस्ट्री कैसे कनेक्टेड होती है। एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ करोड़ों साल पहले, जिसका लावा ऐसा था जो जिसकी मिट्टी में बहुत ज़्यादा आयन था, आयन मतलब कि जिसके कारण यहाँ की मिट्टी जो थी वो काली हो गई, और जो काली मिट्टी है उसने हमें बहुत सारी चीज़ें दी, उसने इस जगह को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाया। इसीलिए जब कबीर आए तो कबीर बोल के गए कि मानव माटी गहन गंभीर, गहन गंभीर मीन्स जो बहुत ज़्यादा वाटर सोकिंग कैपेसिटी उसकी, और पग पग रोटी ढक ढक नील, मतलब यहाँ इतनी सारी रिवुलेट्स थी कि पानी की कोई कमी नहीं थी, और इतना ज़्यादा फर्टाइल था कि आपको जहाँ थोड़ी सी दूर चलेंगे कि आपको रोटी मिल जाएगी। तो वो जो वॉल्केनिक इरप्शन था उसकी जो मिट्टी थी उसका फ़ायदा ये हुआ कि एक तो यहाँ पर कॉटन बहुत अच्छा ग्रो होने लगा, दूसरी बात ये हुई कि यहाँ का कुछ पोर्शन जो होलकर रियासत का था वहाँ पर अफीम होती थी, जो अभी भी हो रही है नीमच और मंसूर वाले एरिया में। और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अफीम में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग की लोकल लोगों के साथ मिलकर, और इसलिए उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट था इंदौर को कैप्चर करना। उन्होंने जो यहाँ से अफीम होती थी वो यूजुअली बहुत सारी जगह जाती थी, पर चाइना इम्पोर्टेंट भी जाती थी। और चाइना में अगर आप लोग चाइना की हिस्ट्री पढ़ें तो देखिएगा ओपियम वॉर उन लोगों की हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स हैं, और वो ओपियम वॉर जो हुए थे वो यहाँ के ओपियम की, तो इसलिए इंदौर का बहुत ज़्यादा इस तरह से भी इम्पोर्टेंस था यहाँ पर। क्योंकि ब्रिटिशर्स आते थे तो यहाँ सिर्फ रेसिडेंट नहीं होता था, जब आप लोगों को पता होगा ब्रिटिशर्स ने जब जिस तरह से कंट्रोल करना शुरू किया इनडायरेक्टली इंडियंस को, तो एक ट्रीटी के थ्रू ये होता था कि हम आपके यहाँ पर एक रेसिडेंट बिठाएंगे, उस रेसिडेंट का खर्चा भी ऑब्वियसली इंडियंस ही उठाएंगे, उनकी सेना का भी वही उठाएंगे, और आप उन रेसिडेंट के कंसल्टेशन में रूल करेंगे। तो रेसिडेंसी जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स ने पहले 1857 के पहले कैप्चर कर लिया था वहाँ रेसिडेंसी होती थी, पर इंदौर में एक और चीज़ होती थी AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल, क्योंकि जो सेंट्रल इंडिया की जितनी छोटी छोटी रियासतें थी उन सब को यहाँ रिपोर्ट करना पड़ता था एजेंट टू गवर्नर जनरल को, और एजेंट टू गवर्नर जनरल को रिपोर्ट देता था जो फाइनली वहाँ जाती थी यूजू के। उसके कारण यहाँ बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स के साथ कॉन्टैक्ट होने लगा, और वो लोग जो गिफ्ट देते थे राजा को उनमें से पेंटिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करते थे। तो राजा चाहते थे कि रेसिप्रोकेट करें तो उनको यहाँ कोई इस तरह के आर्टिस्ट नहीं मिले जो उस तरह की टेक्निक से बना सके। उन्होंने अपने साथ जो यहाँ के कुछ दो आर्टिस्ट थे उनको लेके वो यूरोप गए, यूरोप में उन्होंने उनको सारी आर्ट गैलरीज दिखाई। उसके बाद जाके एक जो आप वो है ब्लू कलर के छत वाला बिल्डिंग देख लीजिए जिसको देवलाली का कला रीतिका कहते हैं, ये बात ही है। इसके साथ ही यहाँ पे एक स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स शुरू हुआ जो बाद में कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स हो गया। उसकी स्टार्टिंग भी इस तरह से हुई थी कि नीट की हुई थी कि पेंटिंग्स गिफ्ट की जाए। देवलाली सर जो थे वो पहले टीचर थे, जे स्कूल ऑफ आर्ट के पढ़े हुए थे मुंबई के, बहुत फेमस आर्टिस्ट थे। उनकी पेंटिंग्स आप लोगों को गूगल पे दिख जाएंगी, देखिएगा देखने लायक। उस जो स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स थी उसमें जो फर्स्ट बैच थी उस फर्स्ट बैच के कुछ नमूने जब यूरोप गए पेंटिंग के लिए तो उन्होंने यूरोप में तहलका मचा दिया ऐसा माना जाता है। उसी स्कूल का एक प्रोडक्ट है MS Hussain जो सबसे ज़्यादा फेमस हुए, लेकिन वहाँ के जो और भी पेंटर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो प्लेस है ये आर्किटेक्चर के हिसाब से जो ये चीज़ है, आर्किटेक्चर की बात में आगे और ज़्यादा डिटेल में करूँगी। यहाँ पे एक हमारे पास नमूना है
आर्ट का हमारे पास नमूना है, भोजन का जो इंदौर फेमस है जिसके लिए उसका भी एक हेरिटेज हमारे साथ है। और गरबा यहाँ इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि जब कॉटन होता था और कॉटन मिल स्टार्ट हुई तो बहुत सारे जो काम करने वाले लोग थे गुजरात से, उन लोगों को ऐसा लगा कि हम यहाँ पे भी अपना वो रिक्रिएट करें गरबे वाली चीज़। तो ये जो इस गली में पहले गरबा सिर्फ गाया जाता था, धीरे धीरे जब लोग आने लगे तो गरबा खेला भी जाने लगा, धीरे धीरे जब भीड़ बढ़ गई तो भीड़ सड़क तक आ गई, जब और ज़्यादा बढ़ गई तो यहाँ से ये जेल रोड शिफ्ट हो गया, धीरे धीरे जेल रोड से ये पूरे इंदौर में शिफ्ट हो गया। तो एक तरह से देखा जाए तो गरबे के लिए जो आज इंदौर इतना इम्पोर्टेंट सेंटर हो चुका है गुजरात के बाद, उसकी स्टार्टिंग भी यहीं से हुई। अब हम नेक्स्ट स्पॉट पर चलते हैं जो है हमारी कृष्णपुरा छतरी, हम पुल क्रॉस करके जाएंगे और जो कृष्णवाई की हो मतलब दो छतरी ट्विंस छतरी है और एक छतरी अलग है, इस पर हम देखते हैं। Thank you.